क्या डिप्लोमा कोर्स एक अच्छा चॉइस है आफ्टर टेंथ, इस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा डिप्लोमा कोर्स का बेनिफिट क्या है और नुकसान क्या है। दसवीं बाद अगर करते हैं, कितना सैलरी मिलता है, कितना फीस लगता है, एडमिशन प्रोसेस क्या हो सकता है, थोड़ा ब्रांच सिलेक्शन मैं बता दूंगा, बट वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इतने चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपका हाथ कमज़ोर है अंग्रेज़ी में, आपको आता तो बहुत कुछ, लिख नहीं पाते हो एग्ज़ाम में बिकॉज अंग्रेज़ी में लिखना होता है, पढ़ना चाहते हो बट किताब खोलते हो समझ में नहीं आता बिकॉज अंग्रेज़ी में लिखा है, तो इसका सलूशन अब आ चुका है। सेम प्रॉब्लम मैंने फेस किया था जब मैं 10th में था, 11th में था, 12th में था, बीटेक में था कुछ हद तक। फिर मैंने इस प्रॉब्लम को जड़ से सही सॉल्व किया एंड आफ्टर दैट मैंने काफ़ी बार टॉप किया, ब्रांच टॉप, कॉलेज टॉप, काफ़ी मेरे बच्चों ने टॉप किया जिनको मैंने सिखाया। इस प्रोग्राम में IITs के बच्चे भी हैं, NITs के भी बच्चे हैं, बाकी कॉलेज के भी बच्चे हैं जो इस तरह का प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो आप इस तरह प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े बच्चे, मतलब अच्छे अच्छे कॉलेज के बच्चे ही फेस करते हैं। तो इस प्रोग्राम में तीन चीज़ का सलूशन है, बोलने का इंग्लिश में, लिखने का और पढ़ने का। एग्ज़ाम में लिखने का जो तरीका बताया मैंने इस प्रोग्राम में, उसका यूज़ करने से आपको जो आता है उसी में से ही आपका 10-15-20% मार्क्स बढ़ जाता है। और इसका प्रूफ जो है इस प्रोग्राम के अंदर के जो बच्चे मेरे चीज़ों को जान के इम्प्लीमेंट करें वो चीज़ वहाँ पर है। इसका प्राइस क्या है? 5,000 नहीं, 499 रुपीज़ का भी है, वैसे तो 999 रुपीज़ है, 50% ऑफ है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसलिए इस प्रोग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और 100 रुपये का फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब क्या है, कोर्स का प्राइस सिर्फ 399 रुपीज़ है। तो वीडियो को पॉज करिए और इस प्रोग्राम को जरूर एंड इस प्रोग्राम में जरूर एनरोल करिए बिकॉज ये आपके लाइफ में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आपका मे बी है उसको सॉल्व करने का एबिलिटी रखता है। तो उसको जरूर सॉल्व करिए ताकि आगे आपका आपके जो रास्ते हैं जाने के लिए उस पर कोई अड़ंगा ना बने ये प्रॉब्लम। तो आइए चलते हैं हमारे जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं कि डिप्लोमा क्या एक अच्छा ऑप्शन है। इज डिप्लोमा गुड? डिप्लोमा गुड आफ्टर 10th, 10वीं के बाद मुझे क्या डिप्लोमा करना चाहिए, इसकी अपन बात करेंगे। देखिए 10वीं के बाद डिप्लोमा करना मतलब क्या, आपको समझाता हूँ। 3 साल बाद आप एक प्रोफेशनल टेक्निकल पर्सन बन जाते हो। इससे फ़ायदा क्या मिलता है, आप कंपनीज में प्राइवेट हो या सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन होने के बाद जॉब कर भी सकते हो। बहुत सारे अच्छे डिप्लोमा कॉलेजेस हैं जिनमें प्लेसमेंट होता है बट उसका परसेंटेज थोड़ा कम है। तो मेजोरिटी कॉलेजेस में डिप्लोमा के प्लेसमेंट इतने अच्छे होते नहीं है। प्लेसमेंट मतलब क्या है, जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। कैंपस प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज में कंपनी आती है, आपका इंटरव्यू होता है, कोई टेस्ट करना है तो टेस्ट होता है, कंपनी वहीं सिलेक्शन करती है, विद इन फ्यू आवर्स आपको जॉब का ऑफर लेटर दे के जाती है, और कुछ टाइम बाद कंपनी आपको ज्वाइनिंग डेट भेजती है लेटर के जरिए, ईमेल के जरिए, मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, आपको कब आपको ज्वाइनिंग करना है उनके कंपनी में, और उसी दिन ही डिसाइड करते हैं आपका सैलरी कितना होगा। बट ऐसे अपॉर्चुनिटी डिप्लोमा के बच्चों को कम ही मिलता है, कम कॉलेज में होता है, बट कॉलेजेस ऐसा हैं जहां ऐसा पॉसिबल है। तो क्या अच्छा ऑप्शन है, मैं बताऊंगा उसके लिए ज़रूर अच्छा ऑप्शन है जिसका बेसिक इतना अच्छा नहीं है, उसको जॉब थोड़ा सा चाहिए, मतलब दाल रोटी का एटलीस्ट जुगाड़ बन जाए। बेसिक अच्छा नहीं है मतलब 10th क्लास में बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, वो उसका एबिलिटी नहीं है कि इतने मोटे मोटे किताब वो 11th 12th में पढ़ पाए, IIT जी क्रैक करे, IIT में जाए, ये कौन बता पाएगा एबिलिटी है नहीं है। इन जनरल पापा मम्मी को पता लग जाता है, बच्चा को खुद को पता लगता है कि मेरे लिए इतना मोटा मोटा बुक अभी पॉसिबल नहीं है, बाद में डेफिनेटली हो सकता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, आपका जो बेस है फंडामेंटल जो है वो कमज़ोर है। उस बच्चे के लिए या उस तरह के बच्चे के लिए डिप्लोमा ऑलमोस्ट एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है।
तो उस केस में डेफिनेटली एक परफेक्ट चॉइस है, तो उसको डेफिनेटली डिप्लोमा करना चाहिए। डिप्लोमा बेसिकली क्या होता है आपका, 10th के बाद 3 ईयर्स का कोर्स होता है, सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होता है, तो 6 सेमेस्टर्स होते हैं, तो ये कर सकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर आपने बोला 10th क्लास का जो फंडामेंटल जिससे कमजोर है उसको डिप्लोमा करना चाहिए, तो क्या ये बच्चा डिप्लोमा कर पाएगा, फेल फाल तो नहीं हो जाएगा? देखो यार, टेक्निकल की पढ़ाई ना बड़ा आसान होता है, कंपेरिजन टू 11th 12th डिप्लोमा बहुत ईजी है। अगर ऐसे आप बोलोगे सर अच्छे से और समझाओ, 11th 12th करने में, 11th एंड 12th करने में अगर डिफिकल्टी लेवल में बोलूंगा 9/10 है, डिप्लोमा भाई साहब 6/10 है। आप समझ गए क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? और ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे काफ़ी सारे बच्चों ने ये सब बोला है, बिकॉज डिप्लोमा तो मैंने किया नहीं, ना मैंने पढ़ाया डिप्लोमा को इतना है, थोड़ा बहुत कभी गेस्ट लेक्चर लिया जाके मैंने, तो उन बच्चों ने मेरे को बोला है, ठीक है। और ये जो डेटा बता रहा हूँ ये खाली प्राइवेट कॉलेज नहीं है, मैं काफ़ी सारे सरकारी कॉलेज डिप्लोमा कॉलेज में गया हूँ गेस्ट लेक्चर लेने के लिए, ऐसे सेमिनार लेने के लिए, करियर काउंसलिंग करने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे, एक दो नहीं बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज में भी गया वहाँ पर, तो उधर 6/10 उनका जो रेटिंग आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हो? अच्छा, ये आपको समझ में आ गया। सर बताओ जी फीस कितना लग जाएगा अगर डिप्लोमा करने जाएंगे? देखो यार, सरकारी कॉलेज से आप करेंगे, सरकारी कॉलेज का एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, एंट्रेंस देना होगा पहला, या फिर डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं आप। एंट्रेंस स्टेट गवर्नमेंट का होता है, मतलब आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट गवर्नमेंट का एंट्रेंस होगा, या फिर डायरेक्ट एडमिशन आपका 50% 60% मार्क्स है, 10th में 70% मार्क्स है, एडमिशन ले लो, या फिर अच्छा मार्क्स है, 80-85% मार्क्स है, 90 मार्क्स है, तो बहुत सारे स्टेट में क्या होता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, 10th के बेस पर आपका एडमिशन मिलता है, बहुत सारे हैं इंडिया में, ठीक है जी। अच्छा, तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेंगे तो आप 2-3 हज़ार 5 हज़ार पर ईयर का फीस वाले भी कॉलेज है, और ऐसे इन जनरल फीस कितना होता है एवरेज में, 50-60 हज़ार फीस होता है पर ईयर का, तो एवरेज फीस प्राइवेट में बात करेंगे 50-60 हज़ार पर ईयर, बहुत से जगह पर 1 लाख पर ईयर भी फीस है। आपको एक टिप्स देता हूँ, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले जा रहे हैं किसी कॉलेज में, उनको डिस्काउंट बोले कि सर डिस्काउंट करो, पैसे नहीं है, गरीब बंदे हैं तभी एडमिशन ले पाऊंगा, और आप मिनिमम फीस बताओ मेरा कितना लगेगा, फिर डेफिनेटली देखना कॉलेज वाले आपका डिस्काउंट कर देंगे। ये मेरे तरफ से आपको गिफ्ट है पैसे बचाने का, आपके तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, तो उससे आपका पैसा बच जाएगा। अच्छा, अब बात आती है सर, सर आप मुझे ब्रांच की बताओ। देखो यार, खाली आपको डिप्लोमा करोगे आप तो जो प्रॉब्लम आता है आपको बताऊँ अभी, आप कंपनी में जाएंगे स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, आफ्टर 5-10 ईयर्स आपका प्रमोशन थोड़ा सा रुक जाता है, करियर ग्रोथ थोड़ा सा रुक जाता है, थोड़ा सा नहीं ठीक ठाक रुकता है। वही अगर बीटेक किया बंदा कोई है तब ग्रोथ बढ़ता है, अगर जो बीटेक नहीं किया खाली डिप्लोमा किया है उसका ग्रोथ रुक सा जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस कोर्स। तो आपको डिप्लोमा के बाद बीटेक करना ही होगा। और प्रॉब्लम और एक आता है, आप टॉप कॉलेज से बीटेक नहीं कर पाओगे, बिकॉज टॉप कॉलेज मतलब IITs, NITs, IIITs, वो डिप्लोमा के बाद सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं देते हैं, फर्स्ट में एडमिशन ले सकते हो, JEE फिर से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, वो बहुत हैक्टिक है, बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल बोलोगे तो चलेगा। डिप्लोमा वाले के मतलब मेरे पास इतने सारे बच्चे कांटेक्ट, मैंने सिर्फ एक ही बच्चे को अब तक, तो एक दो बच्चों को देखा है जो डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रहे हैं, IIT तो देखा नहीं, NIT में कर रहे हैं, ठीक है, वो भी कोर ब्रांचेस में। तो ब्रांच सिलेक्शन कैसे करें आप, आपके फ्यूचर के हिसाब से। अगर कोई मुझे बोलेगा सर एक ही ब्रांच बताओ जो आपको लगता है अच्छा ब्रांच है, एज ऑफ नाउ आगे और वीडियो बना के दूंगा टॉप ब्रांचेस का आपको मिलता है, जिस पर अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा आपको, तो एज ऑफ नाउ मैं आपको रिकमेंड करूंगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच, जो थोड़ा मुझे लगता है बैलेंस ब्रांच है, सरकारी जॉब के लिए भी और प्राइवेट जॉब के लिए। सैलरी कितना मिल जाएगा डिप्लोमा के बाद? इन जनरल 15 हज़ार का सैलरी मिलता है, और एवरेज में जो ठीक ठाक, जिनका ठीक ठाक नहीं प्लेसमेंट हो गया 15 हज़ार सैलरी मिल गया आपको, बट जो अच्छा कॉलेज से पढ़ रहा है उसका सैलरी 25-30-40-45-50 तक मैंने सुना है, 50-60 तक मैंने सुना है जो हाईएस्ट है, बट जो अच्छे कॉलेज से बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ रहा है 3 लाख 4 लाख का पैकेज, मतलब 25-30 हज़ार पर मंथ भी मैंने सुना है, जो मेरे बहुत सारे बच्चे मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं उनके बेस, उसके बेस पर आपको बता रहा हूँ, तो वो सैलरी आपका लग सकता है। तो अब तक हाईएस्ट पैकेज मैंने कितना सुना है, 8 लाख पर ईयर हाईएस्ट पैकेज चुना है, सुना है मैंने अब तक डिप्लोमा के बाद, ठीक है। और 4-5 लाख वाले पैकेज वाले मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, 2 लाख 3 लाख वाले बहुत मैसेज आते हैं जिनका प्लेसमेंट होता है और करियर गाइडेंस लेना होता है उनको मेरे से,
ये था पूरा कहानी। होपफुली आपको समझ में आ गया कब क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। मैंने कोशिश करा मेरा जो नॉलेज है आपके साथ शेयर करने के का जो तरीक मतलब करने के लिए मैंने कोशिश करा और आपको पूरा नॉलेज मेरे पास जो है आपको देने का मैंने कोशिश किया। होपफुली आपको पूरा समझ में आ गया इसका कहानी क्या है। इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।